तो दोस्तों हमेशा से आईपीएल में प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं और आईपीएल से बाहर होते हैं, और चेन्नई सुपर किंग के साथ ऐसा तो पुराना नाता है, कई बड़े खिलाड़ी उनका आईपीएल के बीच से ही बाहर हो चुके हैं। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के टॉप 5 प्लेयर के बारे में कि अगर वह इंजर्ड होते हैं तो कौन बैकअप प्लेयर है चेन्नई सुपर किंग के स्क्वाड में जो कि रिप्लेस करने वाला है और प्लेइंग 11 में खेलने वाला है। तो दोस्तों पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आईपीएल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग एक चैंपियन टीम है, इनके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। जो स्क्वाड में खिलाड़ी शामिल हुए स्पेशली इस ऑक्शन से वो भी बेहतरीन खिलाड़ी है। तो ऐसे में आज हम बात करें उन टॉप 5 प्लेयर जो कि उनका बैकअप रहने वाला है चेन्नई सुपर किंग के पास भी अवेलेबल है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें ऋतुराज गायकवाड़ का, तो दोस्तों बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ का जो बैकअप प्लेयर हो सकता है वह है रचिन रविंद्रा। जी हाँ दोस्तों बता दें कि रचिन रविंद्रा कमाल के ऑलराउंडर है और स्पेशली ओपनर बल्लेबाज भी है, तो इस वजह से चेन्नई सुपर किंग के पास एक बेहतरीन बैकअप ऑप्शन है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ नो डाउट टॉप क्लास के प्लेयर है, हम नहीं चाहेंगे कि वो इंजर्ड हो, लेकिन खुदा ना खासा अगर इंजर्ड होते हैं तो रचिन रविंद्रा जैसे बेहतरीन उनके पास एक ओपनर बल्लेबाज है। तो अगले ओपनर की बात करें यानी डेरेक कॉनर का कौन बैकअप प्लेयर हो सकता है चेन्नई सुपर किंग के पास, तो दोस्तों वह बैकअप खिलाड़ी है डेरियल मिचेल। या दोस्तों जिस प्रकार के विध्वंसक बल्लेबाजी कर रहे हैं डेरियल मिचेल, चेन्नई सुपर किंग का मैनेजमेंट बेहद ही खुश है, क्योंकि अगर जरूरत पड़ने पर वह ओपनिंग भी कर सकते हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए, और जो इनका जोड़ी बनेगी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ वह भी बेहतरीन है। इस वजह से जो डेरेक कॉनर का एक बेहतरीन बैकअप हो सकता था वह अवेलेबल है चेन्नई सुपर किंग के पास डेरियल मिचेल के रूप में। अगले खिलाड़ी की बात करें तो वह है अजिंक्य रहाणे। जी दोस्तों अजिंक्य रहाणे ने जिस प्रकार से विस्फोटक बल्लेबाजी की है सभी को दिलों पर राज कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे से फिर से उम्मीद है कि आईपीएल 24 में वह कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वह इंजर्ड होते हैं तो क्या होगा, कौन होगा उनका बैकअप खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग के स्क्वाड में, तो वह है समीर रिजवी। या दोस्तों समीर रिजवी जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में टहलका मचा चुके हैं, यूपी की तरफ से खेलते हैं और क्या ही बवाल खेले हैं और सभी को दीवाना कर दिया। बता दें कि डोमेस्टिक क्रिकेट के इतना महंगा कोई खिलाड़ी शायद ही बिका हो। या दोस्तों लगभग 8 करोड़ के रकम में खरीदिए चेन्नई सुपर किंग, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि यह समीर रिजवी आगे जाकर बेहद ही बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं। वहीं बात करें दीपक चार, जो कि हमेशा से इंजरी उनको रहता ही रहता है, 2-3 सालों में देखे तो दीपक चार बेहद ही कम मुकाबले खेले हैं, तो ऐसे में इस बार उनका बैकअप खिलाड़ी कौन हो सकता है, तो दोस्तों वह है मुकेश चौधरी। 2022 में खेले थे बैकअप के तौर पर दीपक चार के और बेहतरीन परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन 2023 में खुद मुकेश चौधरी भी इंजर्ड थे, इस वजह से वह आईपीएल में हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन अभी वह 100% फिट है, दीपक चहर भी फिट है। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों फिट रहे और दोनों खेले, लेकिन अगर दीपक चहर इंजर्ड होते हैं तो उस वक्त बैकअप के तौर पर चेन्नई सुपर किंग के पास एमएस धोनी के पास वह मुकेश चौधरी ही रहेंगे जो कि उन्हें रिप्लेस करेंगे और प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। तो अगले खिलाड़ी की बात करें तो वह है महक सिक्सेना। या तो श्रीलंकाई स्टार कमाल के खिलाड़ी है, बेहतरीन गेंदबाजी करता है, लेकिन अगर इंजर्ड होते हैं तो इनके कौन बैकअप कर सकता है, तो दोस्तों वह खिलाड़ी है मिचेल सेंटनर। या दोस्तों मिचेल सेंटनर बेहद ही शांत खिलाड़ी है और बेहद ही शांत में ही कमाल का परफॉर्मेंस किए चेन्नई सुपर किंग से, जितना मौका मिला है मिचेल सेंटनर का कमाल का परफॉर्मेंस किए। ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है चाहे वो मोइन अली क्यों ना हो, उस वक्त भी मिचेल सेंटनर एक बेहतरीन बैकअप रहने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए, जो कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर लेंगे और बेहतरीन बॉलिंग कर लेंगे और साथ में शानदार फील्डर भी है, जो कि इनका जोड़ी रविंद्र जडेजा के साथ बैठ जाती है। तो दोस्तों यह कुछ टॉप प्लेयर है चेन्नई सुपर किंग का और बैकअप खिलाड़ी है जो कि रिप्लेस कर सकते हैं अगर इन खिलाड़ी में से कोई इंजर्ड होता है। तो आपका क्या राय इन बैकअप खिलाड़ियों को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।